बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी आसर सबसे जो आला ख़तर की है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की बारगाह का आलम यह है कि जिन्नो बशर सलाम को हाजिर हैं सलाम। ये बारगाह मालिक जिन्नो बशर की है। सब खुश को तर सलाम को हाजिर हैं सलाम। तमलीक उन्हीं के नाम तो हर खुश को तर की है। अल्लाह अकबर। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो बारगाह के गो हाजिर दरबार हैं सब आलिम व आमी। रोके हुए सांसें हैं यहाँ नामी गिरामी, लगते हैं कतारों में यहाँ रूमी व जामी। हर एक को मयसर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद और उसके महबूब की सना बयान करते हुए एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करता हूँ एहसास टेलीथॉन में। जी हाँ, अरसा दराज से इंसानियत की खिदमत पर मामूर वो इदारा, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऐसी वेलफेयर कि जिसने दुनिया में मौजूदा सूरत हाल और माजी करीब में, आप उसकी कई मिसालें देख चुके हैं, कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया उसका एहसास किया, और उसका एहसास न सिर्फ किया बल्कि उसका एहसास आप लोगों तक भी मुंतकिल किया। खुद एहसास किया और आपको एहसास दिलाया। ये बहुत बड़ी नेकी है कि आज के दौर में, ये बेहिस दौर फी ज़माना जो हम अनानियत की जंग लड़ रहे हैं, मैं अपने लिए जी रहा हूँ, आप अपने लिए जी रहे हैं, हमारे आसपास के लोग अपने अपने लिए जी रहे हैं। और फिर अगर कोई बेहतर तर्ज ज़िंदगी जी रहा है तो दूसरा चाहता नहीं है कि वो जिए, दूसरा ये चाहता है कि वो मर जाए। एक ऐसे बेहिस दौर में, एक ऐसी बेहिसी की आबो हवा में एहसास करना और एहसास दिलाना, इससे बड़ी क्या नेकी हो सकती है। यानी मैं ये एहसास करूँ कि फ़लाँ शख्स जो बेचारा इस वक्त ज़रूरतमंद है उसकी मदद की जाए, और मैं ये एहसास दिला सकूँ कि तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ माल है, इसमें इन लोगों का हक़ है कि जिन लोगों के पास ये माल है नहीं, जो इसके लिए बेचारे दिन भर मुशक्क़त उठाते, मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरकार घर में खाली हाथ लेकर लौट जाते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना कि उन हाथों में बज़ाहिर दौलत नहीं होती, लेकिन उन हाथों पर अल्लाह की रहमत बरस रही होती है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे होते हैं। अजीम लोग हैं, अज़मत वाले लोग जो मेहनत करते हैं मगर किसी से सवाल नहीं करते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उन सफ़ेद पोश लोगों से महब्बत करना, अल्लाह अकबर, ये तर्ज़ रिसालत है। ऐसे मजबूर लोगों की मदद करना, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कभी कोई मजबूर, कभी कोई बेकस, कभी कोई बेबस खाली लौटा हो, या परेशान आया हो, परेशान चला गया हो, ऐसा हुआ नहीं कभी। इनफैक्ट आज तक जो उनकी याद से जुड़ा हुआ है, आय हाय, ईमान की दौलत उसी को नसीब है। फरमाया ना, याद ऊ सरमायाए ईमा बुवद हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बुवद। जो भी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, आपकी याद में महव रहता है। अक्सर आज एक साहब को मैंने फ़ोन किया नाजरीन, तो मुझसे कहने लगी कि बड़े मौके पे आपने फ़ोन किया है। मैंने कहा बताइए, कोई अच्छी खबर है। कहते मैं एयरपोर्ट पर हूँ और मदीना शरीफ के लिए जा रहा हूँ। सोचें, एक ज़ाहिर मदीना जब आपको ख़बर देता है कि मैं मदीने के लिए जा रहा हूँ, तो आप जब कभी मदीने गए होंगे तो वो जो तड़प आपके अंदर पैदा होती है, अल्लाह, उस मोहसिन आज़म के एहसानात जब आप याद करते हैं कि मेरी पैदाइश से लेकर आज तक की मेरी सांसें उस मोहसिन आज़म के एहसानात हैं। आप जब याद करते हैं कि मैं ही नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे दादा पर दादा, मेरे सारे अजदाद पर उसके एहसानात का कर्ज है, हम सब मकरूज़ हैं। कोई शख्स अगर ज़िंदगी में ये कहे कि मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, मैं कर्ज़ को पसंद नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है मैं हर हाल में खुश रहता हूँ, अच्छा इंसान है, खुददार है, गैरतमंद है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर तहदीस नेमत की अर्ज़ करूँ, इसी बात को पसंद करता हूँ, और दूसरे मर्दों में भी ये बात पसंद करता हूँ, चाहता हूँ कि उनमें भी ये बात हो कि वो खुददार हों, गैरतमंद हों। मर्द का यही जेवर होता है। लेकिन अगर वो शख्स ये कहे कि मुझ पर कर्ज़ नहीं है, तो ये सुनने में बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला कर्ज़ से बचाए। लेकिन अगर वो शख्स ये कहे कि मुझ पर, उसके सामने अगर ये कहा जाए क्या तुम पे मुस्तफ़ा का कर्ज़ नहीं है, अल्लाह अकबर, तब वो आपको कहेगा नस्ल दर नस्ल आका तेरी ज़ात के मकरूज़ हैं हम, नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मकरूज़ हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदन। उस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पे एहसानात हैं। उस नबी ने हमें एहसान करना सिखाया, एहसान का बदला एहसान बताया। फिर इसलिए मैं तुझे मानता हूँ, तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। उस खुदाए वाहिद बरतर ने हमें हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान बताया। आप यकीन कीजिए, एक गरीब का आप पे क्या एहसान हो सकता है? क्या एहसान हो सकता है? कुछ नहीं। माल से तो आपकी मदद नहीं कर सकता, उसके पास माल नहीं, मगर आपके पास है। मैं आपसे अगर सवाल करूं कि ये माल आपका है, आप तब क्यों नहीं ये कहते जब कोई आपसे अहवाल लेने आता है कि आपकी हाल चाल क्या है? तब आप जवाब में कहते हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का दिया वो सब कुछ है। तो जब आपके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, तो फिर अल्लाह को देने की बारी आती है तो आप क्यों पीछे हट जाते हैं? सवाल। जब अल्लाह का ही दिया हुआ है तो अल्लाह को ही देना चाहिए, इससे बेहतर माल का क्या इस्तेमाल। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा माल वो है जो तुमने खा लिया, पहन लिया या अल्लाह की राह में सदका कर दिया। अल्लाह अकबर। इससे मेरे समझ में ये बात आई है कि ये तीन बातें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, यानी माल का सही और बेहतरीन इस्तेमाल है। अल्लाह की राह में खर्च कर देना, अच्छा खा लेना, अच्छा पहन लेना। अच्छा, इसका मतलब ला इन शकर तुम लाजीदन्ना को कुरान आपसे ये तकाजा नहीं करता, नबी मोहतरम आपसे ये तकाजा नहीं करते कि आप अच्छा ना खाएं, आप अच्छा ना पहने, आप अच्छा खाएं। इस उम्मत के लिए तो सारी मेहनतें की मेरे आका ने, मशक्क़तें उठाई, रियाजतें उठाई, आंसू बहाए, इनके लिए दुआ की। हमें तो सब कुछ बड़ी सहूलत से, आसानी से मिल गया। नबी के दौर को याद किया करें ताकि आपको ये आसानियाँ पता चलेंगे किसका कर्ज़ है। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे कर्ज़ है उनका, कि उनकी सारी रियाजतें आज हमें सहूलत और इज़्ज़त से दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जीने के लिए ज़िंदगी मैसर है। ज़िंदगी के तमाम लवाज़िमात, नेमतें, रहमतें, बरकतें हमारे साथ चलती हैं। तो क्या उसके बदले हम अल्लाह की मखलूक को कुछ नहीं दे सकते? हम दुआ के साथ साथ इनकी दवा का इंतज़ाम कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें दवा का मोहताज नहीं किया। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, दौलत दी है। याद रखिएगा नाज़रीन, सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं। लोग तबीबों के पास, डॉक्टर्स के पास, मालिज के पास मारे मारे फिरते हैं, अरबों रुपया उनके पीछे पड़ा रुल रहा है, मगर उनके पास सेहत नहीं है। वो सब कुछ खा नहीं सकते, उन्हें परहेजी खाने खाने पड़ते। अब वो जो पीछे अरबों रुपया है, क्या उसे खाएंगे? नहीं खा सकते। ये दवा जब काम नहीं आती ना, तो एक गरीब, मजबूर, भूखे इंसान की दिल से निकली हुई दुआ काम आती। जहाँ कोई एंटीबायोटिक फार्मूला काम ना देना, वहाँ एक गरीब की दुआ काम देती है। कभी किसी के दिल को जोड़कर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, मांगो आयशा, क्या मांगती हो? आज मांग आयशा, जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। हज़रत आयशा कहती है, मुझे इतनी इजाज़त दी जाए कि मैं अपने वालिद जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश हो सकूँ और उनसे मशवरा कर सकूँ। हुज़ूर ने कहा, इजाज़त। आप तशरीफ़ ले जाती हैं। वो कहती हैं, बाबा आज तो हुज़ूर का दरियाए रहमत जोश पर है। फरमाते हैं कि आयशा मांगो, क्या मांगती हो? ये समझ नहीं आ रहा, मैं क्या मांगूँ अपने आका मौला से? हज़रत अबू बकर कहते हैं, आयशा जाकर हुजूर से कहना कि जो मेराज की शब आपके और रब के दरमियान खलवत में बातें हुई हैं, उन बातों में से कुछ गोशा अता फरमा दे। हज़रत आयशा दौड़ी चली आती, कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके और अल्लाह के दरमियान खलवत में बातें हुई हैं, कोई एक बात मुझे बता दीजिए। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, कहते हैं, आयशा अबू बकर बहुत समझदार हैं। आप जवाब देते हैं, फरमाते हैं, आयशा मेरे और मेरे मालिक हकीकी के दरमियान जो बातें हुई थी वो बातें राज हैं, मगर एक बात तुम्हें बताता हूँ। मुझसे मेरे रब ने फरमाया खलवत में, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि खलवत में भी मेरे आका ने इस उम्मत के लिए बात की होगी। मेरे आका की हर खलवत मेरे आपके लिए थी। मेरे आका बहुत रोते थे मेरे आपके लिए, बहुत रोते थे। ताकि हमारी शफाअत हो जाए, हमें नजात मिल जाए। कोई आसान से आसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि हमें बता दे जिसके सबब अल्लाह हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मुस्तफ़ा करीम ने कहा कि मेरे रब ने मुझसे कहा कि आयशा, जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा ना, टूटे हुए दिल को जो जोड़ देगा, मैं उसे जन्नत में दाखिला और आला मकाम अता फरमाऊँ, जन्नत में आला मकाम। बस किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, छोटी सी इतनी सी बात से किसी का दिल टूटा हुआ जुड़ जाता है। यानी कोई शख्स बहुत भूखा है, आप उसे 2 रोटी खिला दें, उसका दिल जुड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा जब हज़रत अबू बकर के पास आती हैं, कहती हैं बाबा जान ये कहा है हुजूर ने कि जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा उसको अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। हज़रत अबू बकर ज़ारो क़तार रोने लगे। हज़रत आयशा हैरान हुई कि बाबा जान ये तो अच्छी खबर है, खुश होना चाहिए, आप रोते हैं। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मेरी प्यारी बेटी आयशा, अल्लाह ने मेरे और तुम्हारे आका और मौला से कहा कि टूटा हुआ दिल जो किसी का जोड़ेगा मैं उसे जन्नत के आला मकाम पर फायज़ फरमाऊँगा। तो सोचो आयशा, जो किसी का दिल तोड़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम के किस निचले दर्जे में अल्लाह अकबर दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। समझिएगा नाजरीन, एहसास दरअसल दिल जोड़ने का नाम है। एहसास किसी की तकलीफ़ का एहसास करता है और एहसास आपको दिलाता है। एहसास करना चाहता है, एहसास दिलाना चाहता है। एहसास करना जानता है, एहसास दिलाना जानता है। मैं आज बड़े दिनों के बाद एहसास टेलीथॉन कई नशिस्तें, मैं यहाँ से लेकर इंटीरियर सिंध के इलाक़ों में भी एहसास के साथ गया हूँ। मैंने एहसास का काम देखा है। पर्सनली मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लोग काम कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि अल्लाह के कामों में किसी का हाथ बटाना ये उस बात की मुतरादिफ है गोया आपने खड़े होकर काम किया। एहसास तमाम तर कामों की जिम्मेदारी लेता है, तमाम तर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। बस आप अपना माल, जबकि सही तर्ज़ अमल ये था कि आप आते, गरीबों तक जाते, उनकी मदद करते, ये सारे काम आसान बना दिया एहसास ने आपके लिए। मैं वहाँ गया हूँ, एंड ऑफ समर, मिड समर डेज़ थे। उसके अंदर आपको पता है कि जो रियल टेम्परेचर था वहाँ वो मोर देन 48 डिग्री था। खड़ा हो सकता है इंसान, तो वहाँ गर्मी की ये शिद्दत होती है। वहाँ एहसास ने शफाफ पानी वहाँ लोगों को फराहम किया, वहाँ मसाजिद बनाई, छाँव अता की, वहाँ दरख्तों के नीचे लोग नमाज़ पढ़ते थे, मसाजिद कायम की वहाँ पर। लोगों की खुराक के लिए रमज़ान मुबारक में अब इस दफ़ा कुछ एक नई चीज़ मेरे देखने में आई कि बच्चों को ईदी भी दी जाएगी इंशाल्लाह एहसास की जानिब से, आपकी तरफ से। अपने बच्चों की ईदी का ख्याल किए कीजिए, लेकिन ये पूरी उम्मत, नबी की सारी उम्मत, इसमें मौजूद सब बच्चे हमारे बच्चे, हमें उन सब की फ़िक्र करनी चाहिए। उन बच्चों को ईदी देने में, राशन बैग्स देने में रमज़ान में, और अल्लाह की मखलूक की मदद करने में आपकी बेचैनियाँ ख़त्म हो सकती हैं। आप परेशान रहते हैं ना, इन परेशानियों से अगर नजात ना भी मिली तो ज़हनी तौर पर आप थकावट से बाहर आएंगे अगर आप अल्लाह के इन बंदों की मदद करेंगे जो इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। साबका बरस जो इफ्तार के लिए दस्तरखान बिछाया गया था पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाक़ों में, वहाँ देखिए अल्लाह के रसूल की कितनी उम्मत ने आकर दस्तरखान से इफ्तार किया था। इन तमाम लोगों को एक बार फिर एहसास अपनी जानिब से इफ्तार करवाना चाहता है। अगर आप इफ्तार इनको हमारे साथ करवाना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए। हम भी आपकी जानिब से कुछ प्लेट्स इस दस्तरखान पर रखना चाहते हैं। एहसास चाहे तो अकेले भी ये बेड़ा उठा सकता है, मगर चूँकि कतरा कतरा समंदर बनता है और हम चाहते हैं न जाने कौन सा शफाफ कतरा इस दरिया में दाखिल हो तो ये दरिया दुनिया भर को सैराब करे और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की सनद इसे अता हो। ये देख लीजिए, सब्जियाँ, फल, गोश्त, सब कुछ आपके सामने है। एहसास ने सिर्फ़ एक खजूर खिलाकर किसी को इफ्तार नहीं करवाई है, बल्कि उसके साथ साथ उसके मनपसंद खाने उसके दस्तरखान पर रखे और उसे वो सब कुछ खिलाया जो खाने की वो रोज़ाना तमन्ना करता है मगर नहीं खा पाता। बहरहाल, मैं जल्दी से जो रेट लिस्ट है वो आपको बताता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हदिया हम सुनेंगे और उलमा इकराम मौजूद हैं, उनसे आलिम दीन मौजूद हैं, उनसे इंशाल्लाह गुफ्तगू शनीद होगी। ज़कातुल फ़ितर पर पर्सन वो जो फितराना जिसे कहते हैं, अगर आप देना चाहें तो वो 5 UK पाउंड्स एंड 8 US डॉलर्स बनता है। अगर फिदिया पर पर्सन फॉर अ मंथ आप देना चाहते हैं तो 150 UK पाउंड्स 240 US डॉलर्स बनता है। कफारा फॉर अ मंथ अगर आप देना चाहते हैं 300 UK पाउंड्स एंड 480 US डॉलर्स आप एहसास को दीजिए। इफ्तार अपील 300 अफराद के लिए मैं आपसे करता हूँ। अगर आप 300 अफराद को इफ्तार करवाना चाहते हैं तो 150 यूके पाउंड्स के ज़रिए ये 300 प्लेट्स आपकी तरफ से हम लगा देंगे। 240 यूएस डॉलर्स के ज़रिए 300 प्लेट और 300 अफराद का इफ्तार का बंदोबस्त हो जाएगा। भाई 240 यूएस डॉलर्स आपके लिए शायद कुछ ना हो, मगर 300 अफराद एक दिन इफ्तार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इफ्तार अपील स्पेशली आप लोगों के लिए है। आप 300 अफराद की इफ्तार के लिए हमारा साथ दें। ईदी बच्चों को हम देना चाहते हैं इस बरस 75 यूके पाउंड्स एंड 95 यूएस डॉलर्स हमने उसका पैकेज अनाउंस किया है। रमज़ान राशन पैक बड़ा राशन पैक होता है, 5 अफराद पर मुश्तमिल घराना उसे खा सकता है सैर होकर। उसके लिए 85 यूके पाउंड्स एंड 95 यूएस डॉलर्स आप हमें दे सकते हैं रमज़ान राशन बैग के लिए। उसके अलावा फूड पैक फॉर अफ़गानिस्तान, अगर आप अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं तो 150 यूके पाउंड्स 200 यूएस डॉलर्स के ज़रिए उनकी मदद कीजिए। एहसास चूँकि जब अक्रॉस द बोर्ड बात होती है तो बॉर्डर के उस तरफ एहसास वहाँ की लोकल NGOs के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ के लोगों की मदद करता है, तो अफ़गानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आप अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए। बिल्ड मॉस्क विद नॉन ज़कात फ़ंड, आपको अपने ज़ाती पैसों से, चूँकि ज़कात के पैसों से मस्जिद की तामीर जायज़ नहीं है, अगर आप अपने ज़ाती पैसों से मस्जिद तामीर करना चाहते हैं तो 7,500 UK पाउंड्स एंड 9,500 US डॉलर्स के ज़रिए एक छोटी मस्जिद तामीर की जा सकती है उन देही सहराई कबायली इलाक़ों में सिंध के, कि जहाँ पर हमने दिखाई थी मस्जिद भी आपको, मैं वहाँ सिंध में मौजूद था। ये देखिए ये मस्जिद की तामीर आपको दिखाई जा रही है जहाँ पर उसी इलाके की, ये देखें बिल्कुल यही मस्जिद, इसी तरह का ये मॉडल मस्जिद है जिसके बाहर बैठ के मैंने प्रोग्राम किया था। और बैरूनी सहन में वहाँ पर लोग, जिस डोनर के नाम से मस्जिद थी उनका नाम भी आपने देखा कि वहाँ तख्ती पर लगा दिया जाता है। वहाँ किसी किस्म का डोनेशन नहीं लिया जाता। जो शख्स यहाँ जिम्मेदारी लेता है मस्जिद बनाने की, डोनेशन देता है, उसके नाम की या उसके मरहूम वालदैन में से किसी के नाम की तख्ती लगा दी जाती है। वैसे मस्जिद की तामीर जो है वो लाखों डॉलर्स में होती है। ज़ाहिर शायन शान मसाजिद बनाई जाती हैं, लेकिन एहसास ने इसको भी आसान किया। और वहाँ दरख्तों के नीचे खड़े हुए लोग, धूप में झुलसते हुए लोग जब नमाज पढ़ते हुए देखे, महसूस किए, तो वहाँ के मकीनों को मस्जिद बना कर दी। वहाँ एक इमाम साहब लगाए और वहाँ एक ऐसे आलिम दीन की भी खिदमत नहीं जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखता था, और वहाँ बच्चों को मदरसे में पढ़ने पढ़ाने के, कुरान की तालीम देने के वो काम आता है। ये आप देख सकते हैं एक मॉडल मस्जिद, इमाम साहब, बच्चों को पढ़ाने वाले कारी साहब, ये तमाम तर इंतज़ाम वहाँ हो जाते हैं। ये लोग मुंतज़िर हैं कि इन्हें कोई शेल्टर दे, कोई अल्लाह का घर बना के दे और ये वहाँ दीन की खिदमत करें, और हमने बना के दिया है। और अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी मदद करें। स्मॉल हैंड पम्प्स इन पाकिस्तान, ज़कात और सदक़े से आप बना सकते हैं। वो वाटर पम्प, इसे दौरे जदीद का कुआं कहा जा सकता है, जहाँ से साफ़ पानी लोगों को वहाँ मिलेगा। बड़ा ख़राब पानी वहाँ था, मैंने देखा है। वहाँ साफ़ पानी के हैंड पम्प्स लगाए गए हैं लोगों की प्यास का इंतज़ाम करने के लिए। बड़ा हैंड पम्प अगर आप लगाना चाहते हैं पाकिस्तान में ज़कात और सदक़े से, तो आप 550 यूके पाउंड 750 यूएस डॉलर्स दे सकते हैं एहसास को। वाटर वेल फॉर पाकिस्तान अगर आप लगाना चाहते हैं ज़कात और सदक़े के पैसों से, तो 695 यूके पाउंड्स 945 यूएस डॉलर्स के ज़रिए लग सकता है। लार्ज वाटर वेल फॉर पाकिस्तान आप लगा सकते हैं 2135 यूके पाउंड्स 3045 यूएस डॉलर्स के ज़रिए। मदद कीजिए एहसास की, एहसास मदद करेगा गरीब, नादार और बेबस लोगों की। मैं हमद बारी ताला के लिए गुजारिश करता हूँ और मेहमानों से तारुफ भी करवाता हूँ। इब्तदाई तमहीद काफ़ी तवील हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एहसास की रमज़ान की 2022 की अपील हुई। हमज़ा अनवर हमारे साथ मौजूद है, मुमताज़ नौजवान सना खां, उभरते हुए माशाल्लाह टैलेंटेड सना खां हैं। अनवर अशफाक़ इब्राहिम बरादरान पाकिस्तान के अर्ज़ वतन के बहुत मुमताज़, बहुत सीनियर और बहुत अच्छा पढ़ने वाले नात खां भाई हैं दो, और उन्हीं के अनवर भाई के बेटे हैं हमज़ा अनवर और अशफाक भाई के भतीजे हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमद बारी ताला से आगाज़ करें और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराता हूँ मारूफ मुमताज़ आलिम दीन मेरे पीर भाई भी हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब से सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, शुक्र। आप तशरीफ लाए, फिर इंशाल्लाह कलाम का आगाज़ करते हैं। हमजा आपको भी सलाम करना रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमदे बारी ताला क्या सुना रहे हैं हमजा? बिस्मिल्लाह। सुभानअल्लाह। बेटा दो शेर नाज शरीफ के मैं सुनना चाह रहा हूँ, अगर या तो वो नात अगर आपको याद हो, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, या ए रसूल अमी, अगर दो तीन शेर बस सुना दें। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस दिल तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमी बस में कौन सजाई तेरी सासा मंजर बिदाई गई बज़्म कौन है सजाई सैयदुल आखरीन सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखरीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई अनफसे दो जहां पढ़ो ऐ सरापा नफीस दो जहां अनफसे दो जहां सरवरे सरवरा बड़े आशिक़ां ढूंढती है तुझे मेरी जाने ग़ज़ीं कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। नाजरीन, बताता चलूँ कि ये बच्चा हाफिज़ कुरान है और माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ख़त्म किया इसने। साबका पिछले साल से पिछले साल की बात है। पूरा कुरान इसने माशाअल्लाह पढ़ाया, अपने घर में सुनाया और इनके घर वालों ने इसके पीछे खड़े होकर जमात में शामिल रह के पूरा कुरान इस बच्चे ने ख़त्म किया। और ये इसका नात पढ़ने का आप अंदाज़ देखें। दुआ करें कि अल्लाह पाक इस बच्चे की हिफाजत फरमाए और इसे इसी तरह इज़्ज़तों के ताज अता फरमाए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हमारी औलादों में अगर ये बात हम हमारी प्रायोरिटी है। देखें, ये एक नात ख्वां का बेटा है और मैंने उस नात ख्वां को भी देखा है। वो भी सौम सलात का पाबंद और वो शरीयत का पाबंद, अपने फ़राइज़ वाजिबात और सुनन जानने वाला सनाखा। ये हुजूर से मोहब्बत का तकाजा सिर्फ ये नहीं है मैं नात पढ़ूँ और पीछे मेरा अमल कुछ ना हो। अब देखिए, एक नात ख्वां का बेटा है, नात ख्वां भी है, हाफिज़ कुरान भी है, दुनियावी तालीम भी जानता है, दीन भी समझता है। ये दरअसल हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। ये लड़के, ये नौजवान, हमें उम्मत में ऐसे बच्चे देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम जानवर की हिफाजत फरमाए। मैं हज़रत अल्लामा अहमद सईद नूरानी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। इस नात का अल्लामा साहब माजरत चाहता हूँ, नात की मैंने फरमाइश की जान के। इस नात के जो शेर है, सरापा नफीसन फसे दो जहाँ, सरवरे सरवरां दिल बरे आशिका, ढूंढती है तुझे मेरी जाने हज़ीं, तुझसा कोई नहीं। तो मुझे बेहद पसंद है इस फैसले। और ये बच्चा चूँकि पढ़ना जानता है, इसकी रियाजत अच्छी है, इसलिए मैं अल्लामा साहब क़िबला आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। रमज़ान मुबारक की आमद आमद है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते, रोज़े रखवाते आए। हाय, जो आपके करीब होता वो भी रोज़े में होता, आप भी रोज़े में होते। मामूल रमज़ान क्या होता था सरकारे अब्द क़रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मखलूक की खिदमत का क्या जज्बा आपने रमज़ान में मुतारिफ़ करवाया। अलावा रमज़ान भी मैं देखता हूँ कि हुजूर का तो दरियाए रहमत और दरियाए सखावत जोश मारता रहता था। बस कोई फरियाद को आ जाए हुजूर तो उससे उसका मज़हब भी नहीं पूछते थे। हज़रत, हम तो यहाँ ये पूछते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक़ हमसे है, हमारा मसलक, फिर मसलक में 5 बरादरी, फिर मसलक, फिर 500 मसालिक, फिर मसलक में 500 गोरख धंधे, फिर और मसले मसाइल। माजरत मेरी ज़बान पर ऐसी बातें आ रही हैं फ़ी ज़माना। तो बहरहाल मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आता है, उसका सवाल पूरा होता है, ईसाई आता है, सवाल। हुजूर ने ज़कात दी गैर मुस्लिमों को तालीफ़ क़ल्ब की खातिर। मसारिफ़ ज़कात जो कुरान मुअल्ल फ़तुल क़ुलूब क्या के आपने तालीफ़ क़ल्ब की खातिर उन्हें ज़कात में से उनकी मदद की। अल्लाह अकबर। उस रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र फरमाएँ ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक के हवाले से उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान आले शान है। आप फरमाती हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जैसे जैसे रमज़ान करीब आता जाता था तो आप रमज़ान मुबारक की तैयारी मुकम्मल जोश व खरोश से फरमाते। हत्ता कि कुर्ब जवार के लोगों को भी तलकीन होती, और बिलखसूस कुर्ब रमज़ान में तो कैफियत ये होती कि गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे काम निमटा कर बिलखसूस रमज़ान में फरागत चाहते हैं अल्लाह की बारगाह में कुर्ब हासिल करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि बाकी जो दुनिया की, हालांकि ये दुनिया जो है ये दीन के रास्ते पर चलने के लिए है और दुनिया भी इसी काम के लिए है और दीन में कामयाबी के लिए है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस दुनिया के उमूर जो थे उनको मुकम्मल करना चाहते थे ताकि रमज़ान आए तो और दुनिया एक साइड पर हो और मैं फिर रब की बारगाह में चला जाऊँ, रब की बारगाह में हाजिरी हो जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशाल्लाह रमज़ान के रोज़े रखना, इसमें तो तसव्वुर भी नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम कभी तर्क रोज़ा करते होंगे। आका अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी आप तो रमज़ान से हटकर वैसे भी सौम विसाल भी फरमाते थे, वैसे भी रोज़े की कसरत ही आपकी, लेकिन इबादत के अंदर ज़ौक़ और शौक़ ये होता था कि बिलखुसूस रमज़ान के अय्याम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के दुनिया से कट हो जाते थे, दुनिया से कट ताल्लुक़। फिर उसके बाद चूँकि हमारा एहसास का एक प्रोग्राम है, एहसास के हवाले से मैं ये अर्ज़ करता चलूँ साथ कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल रमज़ान में अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो आपने फरमाया कि रमज़ान में सदका करना अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल है। जैसे आप देखिए रमजान के सदके का फिर अजर भी, फिर रमजान के सदके का अजर, तो फिर मैं उसी की तरफ आ रहा था। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब इबादत की जाती है तो वो इबादत दिनों के हिसाब से भी फजीलत रखती है, वक्त के हिसाब से भी फजीलत रखती है। अगर की गई कौन सा दिन है, कौन सा अगर जुमातुल मुबारक का दिन है तो उसका अजर ज्यादा है आम अय्याम के मुकाबले में। इसी तरह निस्फ रात की जो इबादत है वो दिन के मुकाबले में ज्यादा अफजल है, और फिर इसी तरह दूसरे मामलात भी हैं। अच्छा, फिर महीनों के हिसाब से भी फर्क पड़ता है। इसी तरह बिलखुसूस 11 महीने एक तरफ और रमजान मुबारक का महीना एक तरफ। इसी तरह अगर नमाज अदा करें, आम मसाजिद एक तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद एक तरफ, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और फिर खाना काबा का। तो हर जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तफावत रखा है, एक फर्क रखा है। इसी तरह आम अय्याम में सदका करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बड़ा मुकर्रब है, और ये आम सदका है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक अल्लाह की बारगाह में सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर 700 गुना तक उसको अता फरमाता है। और अगर बंदा तसव्वुर करे कि अल्लाह 700 गुना तक अता फरमाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहीं, अल्लाह इससे दुगना भी अता फरमाएगा, फकत जरूरत तुम्हारे खुलूस की है कि तुमने किस कदर गहराई में जाकर अल्लाह की बारगाह में सदका किया था। वो गहराई अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। और ये तो आम अय्याम के सदके हैं। फिर अगर यही सदका रमजानुल मुबारक में हो जाए, एक तो वो 700 का अजर, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुगना करने पर कादिर 1400 का अजर, फिर वही खुलूस नियत जब रमजानुल मुबारक में पाई जाए। और ये वो रमजान की बात है कि जिसमें नफल अदा किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फर्ज का अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, ये कमाल भी अता फरमाता है। वहां पर अगर कोई सदका करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कितना अजर अता फरमाएगा, हम इसे गिनती में महदूद नहीं करते, हम इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत पर मुनहसर करते हैं। रब के शायान शान जितनी शायान शान करम होगा, जितना अजर अल्लाह अता फरमाएगा वो अपनी रहमत के शायान शान अता फरमाएगा। तो फिर रमजान मुबारक में सदका करना तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होने का एक बेहतरीन जरिया है। क्या बात है लामा साहब, इंशाल्लाह मजीद आपसे मैंने बहुत सारी बातें करनी आने वाले सेगमेंट में, और हम रमज़ान की तैयारी पर हैं, और बेहतरीन तैयारी रमज़ान की मैं समझता हूँ वो ये है कि रमज़ान मुबारक में आपको प्रैक्टिकली एहसास दिलाया जाता है भूख का, प्यास का। आपको पता चलता है कि भूख में, और हम तो बड़े पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है रमज़ान में, जबकि रमज़ान आता ही हमें सब्र सिखाने के लिए कि जब भूख होगी हमें सब्र कैसे करना है, प्यास होगी हमें सब्र कैसे करना है, एक दूसरे से हमें उलझना नहीं है। वो एक शायर ने कहा ना, तुम्हें बस जिंदगी के बाब में संजीदा करना है, तुम्हें बस जिंदगी के बाब में संजीदा करना है, मैं गुंजलक जिंदगी को और उलझाने नहीं आया। तो बात यह है कि हमें संजीदा होना है, और संजीदा अपने रब की बारगाह में होना है, अपने उसके रब के महबूब की बारगाह में होना है। आप देख रहे हैं कि अहदे हाजिर में उसके महबूब के नाम को इस्तेमाल करते हुए लोग संजीदगी से कितने दूर नज़र आते हैं, यानी आपको खेल तमाशे करते हुए नज़र आएंगे और फिर लोग एतराज़ करते हैं। तो हमें बहरहाल ये सब नहीं करना, क्योंकि ये हुजूर का नाम लेवा जो शख्स है वो पहले हुजूर का नाम लेने से पहले कि पहले ज़बां हमद से पाक हो ले तो फिर नाम ले वो हबीब खुदा का। आपको मालूम होना चाहिए कि ज़बान पाक होनी चाहिए, आपका अंदाज़ बड़ा संजीदा, बड़ा बाअदब, मुअद्दब इल्तिजा हुजूर की बारगाह में पेश होना है, ना कि उछलते कूदते और शोर शराबा करते हुए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की बारगाह का और इस जिक्र का अदब नसीब फरमाए। आमीन। मैं हमजा अनवर से गुजारिश करूँगा नात रसूल मकबूल पेश फरमाएँ, और उसी पर हम इंशाल्लाह वक्फा लेते हैं, और फिर आपसे अगले सेगमेंट में मुलाकात। निगाहे रहमत वो सब की बिगड़ी बना दे, वो सब की बिगड़ी बना दे। लुटा रहे निगाहे रहमत उठी हुई है। न उनसा कोई अजीम देखा, न ऐसा दुर्रे यतीम देखा, न उनसा कोई अजीम देखा, न ऐसा दुर्रे यतीम देखा। ज़माना ठुकरा रहा है जिनको, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं। निगाहे रहमत उठी हुई है। बरोज़ महशर बवक़्त पुरसिश मुझे जो देखा, फरिश्ते बोले बरोज़ महशर बवक़्त पुरसिश मुझे जो देखा, फरिश्ते बोले इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं, तुम्हें तो आका। तारी था मेरी रूह पर मेराज का जाली जो मेरे हाथ में आई, तेरे दर की जाली जो मेरे हाथ में आई, तेरे आका तेरे दर की। शहजाद के होठों पे रहे नात का नगमा, सुभान अल्लाह सुभान। शहजाद के होठों पे रहे नात का नगमा, जलवनुमाई तेरे दर की। सुभान अल्लाह। इसी पैर पर जब पीर नसीर कलम उठाते हैं, वाह वाह माशाल्लाह। आया नसीर आज तमन्ना यही लेकर, आया नसीर आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। बताते हैं महशर में इसी शान से जाऊंगा मुनव्वर, महशर में इसी शान से जाऊंगा मुनव्वर, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे आका तेरे दर की। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। वाह वाह माशाल्लाह। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। हुजूर कोई पैगाम मुख्तसर से शामिल कीजिए नाजरीन के लिए कि एहसास अभी हमारी नशिस्त ख़त्म हो रही है लेकिन ये जो दावत नेकी है ये ख़त्म नहीं हो रही और ये जो अमल नेकी है ये हमेशा जारी रहेगा। गुज़िश्ता एक दहाई से ज़्यादा हो गया, 7-8 साल तो मुझे हो गए इस इदारे के साथ, मैं देख रहा हूँ ये लोग काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से लोगों को ज़रा तरगीब मिले। आप कुछ इरशाद फरमाएँ, फिर मैं इजाज़त लेकर हमजा की इंशाल्लाह नात पे मदीने से बुलावा आ रहा है। सदका करने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर बहुत सारे इरशादात फरमाए, वहाँ पर एक मारूफ हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में सदका करता है, अल्लाह के नाम पर खर्च करता है, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुलजलाल इस बंदे के माल में बरकतें अता फरमा। और फिर फरमाया कि जो बुखल करता है, जो अल्लाह की बारगाह में खर्च नहीं करता, तो फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुलजलाल इस बंदे के माल को बर्बाद कर दे तो इससे माल को छीन ले। गोया कि अल्लाह की बारगाह में ये अल्लाह ने दिया है हमें माल, जो सदका हम करते हैं ये जो रिस्क है ये अल्लाह का अता करदा है, हमारे ज़ाती मीरास नहीं है, तो अल्लाह जब अता फरमाए बंदे को तो उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह का माल अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाए ताकि बंदा अल्लाह का साबिर हो जाए, अल्लाह का शाकिर हो जाए। और अल्लाह के माल को अगर रोक लिया, यानी कि माल तो अल्लाह ने अता किया था लेकिन हमें उसको रोक लिया, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना माल वापस लेने पर कादिर है। यानी कि आप ये तसव्वुर करें कि ये माल बंदे के पास रुकता नहीं है, बंदे के पास ब्रेक नहीं करता, बल्कि ये दोबारा निकल जाता है, लेकिन अगर बंदा अपनी रजा से इसको निकाल दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा भी इस बंदे को हासिल हो जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस माल में बरकतें भी अता हो जाती हैं। और लेकिन अगर बंदा उसको रोक ले और उसको खर्च ना करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ऐसा सबब पैदा कर देता है, कोई ऐसा रास्ता पैदा कर देता है कि उसका माल उसके हाथों से चला जाता है, लेकिन इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब उस बंदे पर तारी हो जाता है। और एक दूसरी हदीस मुबारक जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत जिस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में सदका किया होगा, जिस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में खर्च किया होगा, उसकी कैफियत ये होगी कि कल बरोज़ क़यामत जब तक उस बंदे का हिसाब किताब नहीं हो जाता वो बंदा अपने दिए हुए सदके के साए के नीचे होगा। यानी कि उस दिन जब कोई साया नहीं होगा, उस दिन बंदा अपने ही सदके के साए में होगा। तो नाजरीन अपनी आक़िबत को संवारने के लिए, अपनी आखरत को संवारने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मुकर्रब होने के लिए और बिलखुसूस कल बरोज़ क़यामत अपने साए के लिए अल्लाह की बारगाह में सदका पेश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के साथ नेक अमल करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में हमें अता फरमाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बाकमाल हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक तो सदका बुरी मौत को टालता है, फिर आपने इरशाद फरमाया कि सदका कब्र की तारीकी को दूर करता है, फिर आपने ये भी इरशाद फरमाया कि सदका कब्र के अजाब को दूर करता है, और फिर वो हदीस मुबारक तो आपने समाअत की कि सदका मैदान हश्र में उस बंदे को साया भी मुयस्सर करता है। तो गोया कि वो चंद रुपए जो आप अपनी जेब से निकाल कर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि मौत भी आसान होगी, कब्र में तारीकी भी दूर होगी, कब्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से राहत भी नाजिल होगी, कब्र में अजाब भी दूर होगा। फिर यही सदका कल बरोज़ क़यामत इंसान के लिए साहिबान भी बनेगा, और यही सदका उसके आमाल को, उसके अमल को अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी करेगा, अल्लाह की बारगाह में उसके लिए आसानियाँ भी पेश करेगा। एक और हदीस मुबारक में आता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत जब अल्लाह की बारगाह में बंदा पेश होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाएगा बंदे से कि वो जो नेकियों का पहाड़ है वो तुम्हारा हुआ, वो नेकियों का ज़ख़ीरा तुम्हारा है। बंदा ताज्जुब से अर्ज़ करता है कि मन मालिक, मैंने तो इतना कोई नेक काम नहीं किया था, मेरे पास तो इतना कोई बाकमाल अमल नहीं था कि जिसके सदक़े में इतना कुछ अता किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि फ़लाँ सदका जो तूने किया था उसे मैंने बड़ी मोहब्बत से दाएँ हाथ के साथ कबूल किया, और फिर उसकी मैंने आबियारी की, और वो सदका पलता रहा, बढ़ता रहा। हत्ता कि एक दूसरी हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह एक जानवर की परवरिश करके उसको जवान किया जाता है, इसी तरह तुम्हारा सदका जब अल्लाह की बारगाह में पेश होता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी परवरिश फरमा के उसको जवान करता है, उसको बढ़ोतरी अता फरमाता है। हत्ता कि कल बरोज़ क़यामत वो सदका एक पहाड़ के ज़ख़ीरे की सूरत में उस बंदे को अता किया जाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदक़े के सबब उस बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। तो वो माल जो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से हासिल करते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह के नाम पर ख़र्च कर दें तो कितना कमाल होगा। अगर हम उस माल को बचा कर रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, और हमारे मरने के बाद वो हमारी विरासत में तकसीम हो जाएगा, तो मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़रमान आली शान है, आप फरमाते हैं कि मुझे तरस आता है उस बंदे पर कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हिसाब देगा तो अमीरों की तरह, लेकिन उसने ज़िंदगी गुजारी होगी गरीबों की तरह। यानी कि माल को छुपा कर रखा, बुखल के साथ उसको कैद करके रखा, खर्च नहीं किया, जमा करता रहा, बिलाखिर उसकी मौत आ गई। हिसाब अल्लाह की बारगाह में लाखों करोड़ों का देना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी उसने मुफलिसी की हालत में बसर की। अगर वही लाखों करोड़ों का माल जो अल्लाह ने अता किया था उसमें से कुछ रकम निकाल कर अल्लाह की बारगाह में सदका कर दी जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश कर दी जाए, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इस थोड़े दिए हुए के बदले में अल्लाह तबारक व तआला पूरे माल का हिसाब हमें माफ़ फरमा देगा। इस थोड़े से खर्च किए हुए के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन कल बरोज़ क़यामत हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। तो नाजरीन, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको ये पैगाम है कि आइए इस कार खैर में आप एहसास के साथ खड़े हो जाइए, आइए उम्मत के अंदर एहसास पैदा करने में आप एहसास के साथ खड़े हो जाइए, ताकि वो गरीब, वो यतीम, वो मिस्कीन जो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो मुंतज़िर हैं इस बात के कि आप ताउन करें और उनका दस्तरखान नेमतों से सज सकें, वो मुंतज़िर हैं इस बात के कि आप ताउन करें और वो रोज़ा सहरी अच्छी कर सकें, वो रोज़े की अफ्तारी अच्छी कर सकें, वो मुंतज़िर हैं इस बात के कि अगर आप ताउन करें तो उनके बच्चे अच्छी ईदी उनको मुयसर आ सके, ईद पर अच्छा लिबास उनको मुयसर आ सके। तो आइए फिर एहसास के साथ खड़े हो जाइए, एहसास के प्लेटफार्म पर हमारा साथ दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एहसास के प्लेटफार्म पर आप सबके दिए हुए साथ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमें मिलकर इसी तरह यकजहती के साथ गरीब लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका दिया हुआ, आपका ताउन किया हुआ एहसास के साथ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या बात है लामा साहब, जज़ाकल्लाह, आपने तरगीब दिलाई। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों का जिक्र करता है जो छुप कर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, और उन लोगों का भी जिक्र करता है जो एलानिया अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं। ऐलान करने वाले वो लोग नहीं जो ऐलान इसलिए करते हैं कि उनकी रियाकारी हो, नमूद नुमाइश हो, ये हम बड़ी मदद करते हैं लोगों की, और हम जैसा तो कोई जी फ़लाँ मलक साहब और फ़लाँ चौधरी साहब तो बड़ी मदद करते हैं गरीबों की, और बड़ा तस्वीरें खिंचवाते हैं जब मदद करते हैं, तस्वीरें ज़रा दिखाते हैं, लगाते हैं कि जी हमने इतने लोगों की मदद की है, तस्वीर नहीं हुई तो क्या फ़ायदा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वह एलानिया जो लोग मदद करते थे ना ऐलान करके, उनकी गर्ज़ क्या, गर्ज़ वायत क्या हो, अल्लाह फरमाता है जो ऐलान करने वाले ना, ऐलानिया जो मदद करते हैं, वो इस गर्ज से कि लोगों को तरगीब मिले, दूसरे लोग भी उनके ऐलान में शामिल हों, हमारा हिस्सा भी मिला लें, हमारा हिस्सा भी मिला लें। मिसाल के तौर पर एहसास, अब जब बहुत एक तवील दस्तरखान बिछाने जा रहा है जिस पर लाखों लोग रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़ा इफ्तार करेंगे, और इफ्तार में वो तमाम तरह लावाज़िमात मौजूद होंगे जो एक गरीब आदमी के पास आम दिनों में या रमज़ान में नहीं होते। रमज़ान मुबारक, अल्लाह का मेहमान। अच्छा, मेहमान आता है, आपसे मेहमान नवाजी करवाना है। ये कैसा मेहमान है जो हमारी मेहमान नवाजी करने आता है? ये मेहमान आता है, मेहमान नवाजी हमारी करके जाता है। यानी रोज़ाना की बुनियाद एक रूटीन बन जाती है ना आपके इफ्तार में, जो चीज़ें आप खाते हैं, अल्लाह की नेमतें आपको मैसर आती हैं। मैं तो नाजरीन आपको अर्ज़ करूँ, गुज़िश्ता 7-8 बरस हो गए मुझे एक रोज़ा भी अपने घर वालों के साथ नसीब नहीं हुआ। वजह यह है कि मैं आप नाजरीन की खातिर और ज़ाहिर अपने इदारे की एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी रमज़ान में मुझ पर होती है, और मैं आपको दावत भी देना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक में फिर सजेगी रमज़ान की खूबसूरत नशरियात, और ARYQ TV इस मरतबा बड़े मुनफरद अंदाज से पेश होगा। रमज़ान की ट्रांसलेशन में आप लोग खूब दुआ करें ARYQ TV के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सलामत रखे। अल्लाह ने इस इदारे के तवस्सुल हमें इज़्ज़तें अता फरमाई। देखें, इदारा इज़्ज़त, मैं फिर के बात कहना चाहूँगा कि इदारा किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता, ये ज़रिया ज़रूर बन सकता है। इज़्ज़त देना अल्लाह का काम है, रिस्क देना अल्लाह का काम है। ये इदारा हम इसकी कदर करते हैं क्योंकि इस इदारे ने हमें भी इज़्ज़तें अता फरमाई, और बहुत बड़े बड़े लोग जो इस इदारे से होकर गए उन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त, लेकिन जो इस इदारे को छोड़कर गए उनका भी मैंने अहवाल देखा। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता। मेरी अर्ज़ ये है कि रमज़ान मुबारक की जो नशरियात हम करने जा रहे हैं इस बरस पूरे एतमाद से पुरज़म होकर आप लोगों की खातिर हम हालत रोज़ा में 5-5 घंटे तक नशरियात करते हैं, इसलिए कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, कुरान हदीस के साथ जुड़े रहें, अल्लाह के दीन के साथ जुड़े रहें। ARYQ TV जो नशरियात करता है अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तनक़ीद, कोई बात नहीं होती, आप उंगली नहीं उठा सकते, बहुत न्यूट्रली हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक तमाम तरह अपनी नशरियात को सजाते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं होती। आप लोग इंशाल्लाह बहुत महसूस होंगे, बहुत मुतमईन होंगे। मेरी गुजारिश है, कहा जाता है ना रमज़ान में TV बंद रखें, TV पर यह आता है वो आता है, मैं आपको दावत देता हूँ आप रमज़ान में TV खोल के रखिएगा और मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। ARYQ TV.TV के ज़रिए आप फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ARYQ TV का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे मौजूद है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहीं भी कोई भी ज़रा सी भी बात आपको ऐसी नज़र आए जो कुरान और सुन्नत या कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो तो आप मुझे बताइएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। हम इंशाल्लाह मुंतज़िर रहेंगे आपकी आरा के रमज़ान मुबारक में। रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन को इज़्ज़तें अता फरमाए। जाते जाते मैंने हुजूर की नात के हवाले से, हमद के हवाले से बड़ी बातें हुई हैं। जाते जाते मैं कुछ अहले बैत अतहार की बारगाह में भी नजराना पेश करूँ, हज़रत अली की बारगाह में, और आपसे बस ये एक नात का शेर और एक हज़रत अली, और शेर भी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा का। रश्के कमर हूँ, रंगे रुखे आफताब हूँ, ज़र्रा तेरा जो ऐ शहे गर्दूं जनाब हूँ, दुरे नजफ़ हूँ, गौहरे पाके खुशाब हूँ, यानी तुराब रह गुज़रे बू तुराब हूँ, यानी तुराब रह गुज़रे बू तुराब हूँ। मैं जब लिखूँ यही लिखूँ मौलाए कायनात, तुझसा जो दूसरा हो तो ले आए कायनात, तुझसा जो दूसरा हो तो ले आए कायनात। हमजा अनवर नाते रसूल मकबूल पढ़ रहे हैं। मदीने से बुलावा आ रहा। अभी मैंने कहा ना, आज ही एक साहब से बात हुई, एयरपोर्ट पर थे, मदीने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मदीने जा रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जल्द हमें मदीना तैयबा में रोज़े इफ्तार करने की हुजूर की बारगाह में वहाँ बैठकर उनकी नातें उनको सुनाने का अल्लाह मौका अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। हमज़ा अनवर, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सलाम वालेकुम। मदीने से बुलावा मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल, मुझसे पहले जा रहा है यहाँ मर्जी किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, बुलवा रहा है मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।